सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट डिस्कस। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है हमारा, ठीक है। और आज का भी देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने बेसिकली आज ट्रेड करी, ठीक है। तो अगर मैं आज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे हो मेरी, ठीक है, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं वहां पे बोल दिया था कि नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ओपन हाई बनने की एक सिचुएशन डेफिनेटली मार्केट में दिख रही, ठीक है। आज मार्केट एक्यूरेट हमारा ओपन हाई की फॉर्मेशन बनाया, बट हमारा ओपन हाई जो था वो आज फेल कर गया किस टाइम पे, 10 बजे के आसपास, एंड 9:57, ठीक है, 10 बजे की आप कैंडल देख सकते हो, ठीक है। और 9:57 पे मैंने आपको ये चीज बोल दी थी कि अभी के लिए आप रुक जाओ, ठीक है, एक बार क्लोजिंग आ जाए आपकी वीवैप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर पिवट की मैं बात करूँ, पिवट रेजिस्टेंस भी था मेरा अराउंड, ठीक है, 2100 के आसपास शायद से, ठीक है, सॉरी 21296 के आसपास था। तो मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि वीवैप के ऊपर एक बार क्लोज कर जाए, आफ्टर दैट हमारा पिवट का रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को वहां पे मिल सकता है, ठीक है। आप उसके बाद देखो, आपको लगा होगा ठीक है कि कुछ टाइम, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, वॉल्यूम मार्केट ने क्या किया था, अटैक किया था, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो उसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है। मतलब काफी अच्छा मार्केट में पैसा बना है आज, अगर किसी ने आज पेशेंसली कॉल साइड की ट्रेड अगर होल्ड करके रखी हो। बाकी अब ये देख लेते हैं गाइस कि कल कहाँ पे मिल सकता है, मतलब बेसिकली मंडे को हम कहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का। और एक और चीज आपको बता दूं कि आप बेसिकली अगर कभी भी यूज करो, तो मैंने आपको एक चीज बोली है कि आपको अगर कभी भी आपको लगता है कि आपकी ट्रेन छूट चुकी है, मतलब आप कोई ट्रेंड छोड़ चुके हो, आपको लगता है कि प्राइस काफी ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज करने के लिए अपने को लेके आएगा एक बार वीवैप के पास। ये ब्लैक लाइन आपको ये जो दिख रही है यहाँ पे, तो वीवैप के पास वो आया, वीवैप के पास एवरेज कैंड, अगेन वहां से आप देखो, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं क्या मार्केट में भी चल रहा है, ठीक है। और एक बार आप क्या करना है, यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये जो लाइन दिख रही है एक तरीके से, ये हमारा एक्यूमुलेशन लाइन है, ठीक है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ रहा है, प्लस वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे हमारे 2 दिन गैप अप ओपन हुए हैं। मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज है ये भी आपको बता देता हूँ। तो मंडे को एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि मंडे को हमारी डेफिनेटली क्या हो रही है, मतलब 90 to 95% पॉसिबिलिटीज है हमारी की काफी एक बड़ा गैप अप मार्केट में दिखे। आज की क्लोजिंग जो है बेसिकली वो अराउंड 21448 के आसपास का ये क्लोज हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम अगर बात करते हैं मंडे की, तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बोल दी थी कि एक बार अगर 21100 का मार्केट लेवल ब्रेक करता है तो वहां पे आपको क्या हो सकता है कि डायरेक्टली 21700 तक के आपको क्या हो सकते हैं टारगेट्स देख सकते हैं आपका 21100 ब्रेक, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो पिछला दिन था वहां पे कहीं ना कहीं 21100 का लेवल ब्रेक हो गया था। यहाँ पे भी अगर कोई बीटीएसटी में लेके गया होगा पोजिशनली, तो वो आज अपने रिटर्न खुद ही चेक कर लिया होगा कि उसको कितना पैसा बन के मिला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या है कि पास आ चुका है, किस चीज के पास आ चुका है ये भी देख लेते हैं, अपने स्टेशन के पास आ चुका है जहां पे मार्केट को कहीं ना कहीं अब एक बार शायद से रुकना चाहिए, ठीक है। अराउंड देखो 21700 का हमारा लेवल है, ठीक है। तो मार्केट कल के दिन में की अगर मैं बात करता हूँ मंडे के लिए, तो अराउंड 21700 के आसपास तक का भी आपको डायरेक्टली एक गैप अप ओपन होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पॉइंट वाइज की बात करूँ तो अराउंड 250 पॉइंट का ही गैप अप हो सकता है मार्केट में। पॉसिबिलिटीज है नहीं है वो चीज देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्या करें हम डेटिंग फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज अब क्या है 21700 के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वहां पे भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि या तो आपको ओपन ही बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, इसकी मेजर पॉसिबिलिटीज है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अगर 21700 के अराउंड एग्जैक्ट अगर 21700 या फिर 650 से 700 के बीच में कहीं ना कहीं अगर होता है मार्केट एक्चुअल में गैप अप ओपन, तो वहां पे आपको दिख सकता है कि एक साइडवेज मूवमेंट मार्केट में हो सकती है, कि मार्केट फिर उसके बाद पूरा साइडवेज हो जाए, आपको क्या कहते हैं कोई ट्रेड दे ना मार्केट, क्योंकि मार्केट कर बेसिकली यही रहा है। यहाँ पे अब आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो अराउंड मेरा 1.5 घंटे में जो मोमेंटम आया है वो इतना फास्ट मोमेंटम था कि वो मतलब किसी को खरीदने का मौका ही नहीं दे रहा है। मतलब अगर वहां पे कोई भी ये चीज सोच रहा है कि मैं लिमिट ऑर्डर डाल लूंगा, मतलब किसी स्ट्राइक का प्राइस 80 रुपए चल रहा है, मैं लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ, ठीक है, 1 रुपए कम या फिर हाँ क्योंकि 1 रुपए कम या फिर आधा रुपए कम, तो वो 80, वो 81, 82, 83 ऐसे वो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया। तो इस तरीके से आज क्या हुआ बेसिकली हमारा प्राइस बढ़ा है, ठीक है। और पुट का अगर मैं आपको बता दूं तो पुट आप सिर्फ किन सिनेरियोज में देखोगे अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। तो पुट आप बेसिकली क्या करोगे, अगर ओपन हाई की फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, ओपन हाई की फॉर्मेशन बनती है, एक बार वीवैप के नीचे क्लोज कर जाए हमारा ओपन हाई, ठीक है, तो वीवैप के नीचे जैसे ही हमारा क्लोज होगा अराउंड 10 या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप वो चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हो निफ्टी में,
अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है थोड़ा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि एक स्कैल्प वहां पे प्लान कर सकते हो अपने। वी वैप के नीचे जैसे मार्केट निकलता है तो 20 से 30 पॉइंट के आप क्या कर लो, बेसिकली वहां पे अपने स्कैल्प बुक कर लो। और अगर आपको कॉल साइड में ट्रेड मिलती है अच्छी पकड़ने के लिए तो गाइस डेफिनेटली ट्रेड लो, ठीक है। और अभी के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हमारा जो स्टेशन है वो पास आ चुका है अराउंड 7, मतलब 21700 और 21720-25 के आसपास का जो अभी लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करें। एंड इफ अगर दिस मंथ की अगर मैं एक्सपायरी की बात करता हूँ, ये एक्सपायरी अगर हो जाती है आपकी, मतलब 21800 850 के अगर ऊपर क्लोज हो जाता है वीकली कोई भी कैंडल, तो वहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ से फिर अब जो निफ्टी आपको लग रहा है कि निफ्टी उड़ रहा है ना, तो निफ्टी अब आसमान में नहीं, निफ्टी आपको डायरेक्टली स्पेस में दिखेगा, मतलब आप डायरेक्टली फिर यहाँ से कुछ नहीं 2-2500 पॉइंट तक की मूवमेंट भी देख सकते हो आने वाले 1.5-2-3 महीने में। जिस तरीके का ये मोमेंटम आ रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है निफ्टी में, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। बाकी कॉल साइड के लिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कॉल साइड में आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन ना ले, अराउंड 100 पॉइंट का गैप अप ओपन ले, ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन कर जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर मतलब कॉल के बारे में आपको सोचना भी, तो 500 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक कॉल की ट्रेड का सोच सकते हैं 700 के लेवल तक, बट फ्लैट के चांसेस कम है, गैप अप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। एंड इन केस अगर गैप डाउन हो जाए, इन केस गैप डाउन हो जाए क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप 21300 के नीचे डेफिनेटली पुट के ट्रेड का सोच सकते हैं, ठीक है गाइस। और कॉल के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है। एक्यूरेट अगर लेवल की बात करूं मैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, ओपन हाई का मैंने बता दिया, इफ ओपन हाई करा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके पुट में ट्रेड बन सकती है। इफ 700 का लेवल भी मार्केट ब्रेक करता है तो 700 के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 800 का प्लान कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज, फ्लैट के केस में अगर क्या होता है, अगर फ्लैट के केस में मतलब अराउंड अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अपना ओपन ले, ठीक है, 500-550 के बीच में भी, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, आधा या फिर 1 घंटा अगर मार्केट सस्टेन करता है उसी लेवल पे, तो वहां पे भी आप वी वैप के आसपास अपनी एक कॉल के ट्रेड बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।